हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये शॉप है जहाँ से मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए और मम्मी ने अपने मतलब बर्थडे गिफ्ट के लिए साड़ी लिया है। तो देख सकते हैं, मैंने ये मतलब छिंदवाड़ा के अंकुर मतलब साड़ी का शॉप है, उससे हमने साड़ी लिया है। और मार्केट पे तो काफ़ी भीड़ थी उस दिन, और मतलब एनिवर्सरी का भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो वीडियो तो डालने का मन था नहीं। गिफ्ट का काफ़ी चीज़ें यूज़ भी हो गई है, लेकिन मैंने वीडियो बना लिया था और मैंने सोचा था कि मम्मी का भी जो भी रहेगा बर्थडे का तो एक साथ ही मैं डाल दूँगी। लेकिन मम्मी के गिफ्ट का वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं वैसे ही बता दूँगी कि उन्होंने दो साड़ी लिया था, अंकुदी ने दिया था। फिर हम लोग गए तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, और अभी का तो मौसम ऐसा है कि जल्दी में गर्मी लगेगी, फिर बारिश हो जाएगी। तो फिर हम लोग को काफ़ी गर्मी थी, तो हम लोग लस्सी पीने चले गए, और लस्सी पीते टाइम में बारिश हो गई थी। तो फिर हम लोग ने लस्सी पीने के बाद रिशान के लिए भी कपड़े ले लिया, अब मेरे लिए भी ले रहे हैं रिशान के पापा के लिए भी लिया, तो मम्मी के लिए भी, तो हमने सोचा रिशान के लिए भी लेना चाहिए। तो किसी के लिए भी कुछ भी हो तो रिशान के लिए हम लोग तो ज़्यादा कर लेते हैं मतलब कपड़े या गिफ्ट जो भी है। तो फिर ये मैं पहुँच गई हूँ, मैंने जो एनिवर्सरी में सूट पहना था वो मैंने यही शॉप से लिया है, ये भी छिंदवाड़ा से ही लिया था मैंने। तो बस हम तो कपड़े की तो शॉपिंग हो गई थी मेरी एनिवर्सरी के पहले, मम्मी के बर्थडे की भी और मेरे एनिवर्सरी की। और ये लिए थे हम लोग ने मम्मी के लिए गोल्ड, अंकुदी ने ली थी गोल्ड के एक इयर रिंग। तो ये मम्मी के बर्थडे के सेकंड दिन का था, जैसे कि मम्मी के बर्थडे के दिन बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए हम उस दिन नहीं पहुंच पाए थे मतलब ले नहीं पाए थे, तो सेकंड दिन गए थे। तो फिर हम लोग ने पायल भी देखा, वही मम्मी के मतलब कुंडल की तो मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है, मम्मी बोलती अच्छा नहीं लगता डालना, इसलिए उन्होंने फ़ोटो नहीं दिया। तो बस मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि उनको वो दिया था, और भी जो गिफ्ट है मैं अनबॉक्स में दिखाऊंगी। फिर हम लोग ने सोचा नागछिद वाले थे, हम लोग ने उनकी दीदी ने, मैं तो डर रही थी, मैंने पहले बोला कि नहीं आप करवाओ पहले, अगर आपको दर्द नहीं दिया तो मैं करूँगी। तो उनको तो बिल्कुल भी दर्द नहीं दिया, वो तो बिल्कुल, मैं वीडियो बना रही थी कुछ करूँगी पर आओ कुछ किया नहीं। तो मैंने सोचा फिर मैं भी करवा लेती, तो फिर मैंने भी करवा लिया। तो हम दोनों ने लॉन्ग पहना, तो ये हम लोग की फर्स्ट पिक है लॉन्ग पहने हुए, अच्छे लग रहे थे दोनों, मज़ा आया हमको, और याद भी रहेगा कि मम्मी के बर्थडे के सेकेंड दिन हमने करवाया था। तो अब बारी आ गई मेरे गिफ्ट की, तो ये मेरे गिफ्ट है, ये सारे इयर रिंग्स दी है अंकु दीदी ने, ये इतने सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप की इयर रिंग। तो ये सारे गिफ्ट मिले हैं मुझे, और काफ़ी मैंने पहन भी लिया है, लेकिन ये ना काफ़ी पहले मैंने वीडियो बना लिया था इसलिए मैंने डाल दिया है, नहीं तो अभी तो इतना ज़्यादा इधर उधर जाना हो रहा है, कुछ भी फंक्शन हो रहे हैं। तो ये दिया था मौसी ने मुझे रुपए, और ये दिया मेरी बड़ी दीदी ने ब्लेसिंग बुद्ध, बहुत अच्छा होता है ये गिफ्ट मिलना, तो बहुत अच्छा ही मतलब शुभ संकेत रहता है, इस टाइप के गिफ्ट आपको मिलना चाहिए, अच्छा रहता है, तो वही सोच के सीमती ने दिया। फिर हम लोग को मतलब मुझे मिला है ये सूट, ये दी है अंकुदी ने दोनों, और ये साड़ी दी है मम्मी ने मेरी सासू माँ, मम्मी ने दिया है। और फिर इस साड़ी के बाद मैंने दिया है इनको ये हाफ पैंट, और टी शर्ट भी दिया है, टी शर्ट का अभी पता नहीं कहाँ है। और ये दिया है पूजा ने, ये भी कहते गिफ्ट पूजा ने किया है। तो ये जो मैंने सूट पहना है मुझे रिशान के पापा ने गिफ्ट किया था, और शर्ट जो पहने थे उन्होंने वो मम्मी ने उनको गिफ्ट किया था। फिर हम लोग मम्मी के बर्थडे के दिन का है, तो ये बर्थडे की साड़ी भी उनको गिफ्टेड है, और मैंने वॉच दिया था मतलब ऑर्डर किया था पर कैंसिल हो गया, तो मम्मी को मैं वॉच दे रही हूँ, अभी आया नहीं, आएगा तो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर डालूँगी, आप देखना।
और ये था हम लोग के तो ये गिफ्ट था मेरा का छोटा सा वीडियो। वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। और ये है मम्मी का गिफ्ट।